हाय गाइस, आज हम बनाएंगे ब्रोकली की बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी। तो एक मोटे तले वाले पैन में ऑयल डाल दीजिए। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो एक रफली चॉप प्याज और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। अब हमने ब्रोकली के फूल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने लिया है बॉइल्ड मशरूम एंड बॉइल्ड टोफू। दोनों ही प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो तीनों वेजिटेबल्स जो हमने लिए हैं, ब्रोकली, टोफू एंड मशरूम, एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस होते हैं। अब पैन को एकदम कम कर दें और इसे ढक के पकने दें 5 मिनट के लिए। ब्रोकली को हम ज़्यादा नहीं पकाते हैं, तो 5 मिनट बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, ब्रोकली गल चुकी है। थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम। यहाँ पे मैंने डाला है एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। ये ऑप्शनल है, तो इसमें थोड़ा सा हम बेसन स्प्रिंकल कर देंगे। सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए, चलाते रहिएगा। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, इसलिए हरी मिर्च मैंने इस स्टेज पे डाली है। आप इसको थोड़ा पहले भी डाल सकते हैं। बस हमारी रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही हाई प्रोटीन है। अगर आप डिनर में सिर्फ इसको खाएंगे, नथिंग लाइक इट, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक द टेस्ट ऑफ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।